हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग सेंटर पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी। ये जो लेक्चर है ये आरटीक्यू का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। ए बीम फिक्स्ड एट बोथ एंड कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन इंटायर लेंथ फुल स्टॉप। द रेशियो ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट टू द बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन इज गिवेन बाई। ठीक है, हिंदी पढ़ते हैं। एक दोनों छोर से स्थापित दंड अपनी पूरी लंबाई पर एक समान वितरित भार को उठाए है। आलंब पर बंकन आघूर्ण का मध्य विस्तृति पर बंकन आघूर्ण से अनुपात होगा। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बीम है, ठीक है, वो भी कैसा फिक्स्ड बीम है और इस पर क्या है, यूडीएल लोड लगा हुआ है। इस पर जो लोड लगा हुआ है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यानी डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इसके स्पैन की लंबाई हम मान लेते हैं एल है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो इसके सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट निकल रहा है, बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट, और जो बेंडिंग मोमेंट जो बीच में डेवलप हो रहा है, बीच में मतलब मिड लिख देते हैं, ठीक है ना, इन दोनों का अनुपात क्या होगा। मतलब बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट और बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो अगर फिक्स बीम की बात करें और यूडीएल लोड लगा है तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए, सपोर्ट पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है और इसकी वैल्यू होती है WL स्क्वायर बाई 12। ठीक है, इधर भी होगा WL स्क्वायर बाई 12, ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा और यहाँ पर आपका बीचों बीच ये मैक्सिमम होगा। थोड़ा सा फिगर हम इधर बना लीजिए, इधर यहाँ बनाना चाहिए था। बीचों बीच जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो होता है WL स्क्वायर बाई 24। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा हमारा WL स्क्वायर बाई 24 और ये हो जाएगा WL स्क्वायर बाई 12। ठीक है, दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है, m अपान m, मतलब सपोर्ट पर और मिड का। तो m d लिख देते हैं मिड पर, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए इसको ऊपर रखना है, ठीक है, और इसको आपको नीचे रखना, तो ये हो जाएगा WL स्क्वायर बाई 12 डिवाइड बाई WL स्क्वायर बाई 24। ये और ये कट जाएगा, 24 ऊपर जाएगा, 24 डिवाइड बाई 12 मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, इन केस ऑफ बाई एक्सियल स्ट्रेस कामा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सियर स्ट्रेस इज गिवेन बाई। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मेंबर है जिस पर दो डायरेक्शन में स्ट्रेस लगे हैं। ठीक है ना, जब दो डायरेक्शन में आप लगाएंगे तो इसी को बोलते हैं बाई एक्सियल। तो ये सिग्मा 1 हो गया x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में सिग्मा 2 हो गया। ठीक है, मान लेते हैं सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। ठीक है, यानी ये मेजर है और ये माइनर है। क्वेश्चन में कह रहा है जो सियर स्ट्रेस होगा, मैक्सिमम सियर स्ट्रेस होगा, ये होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। फ्रॉम ए सर्कुलर प्लेट ऑफ डायामीटर 6 सेंटीमीटर ए सर्कल इज कट आउट हुज डायामीटर इज ए रेडियस ऑफ द प्लेट। ठीक है, फुल स्टॉप। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिमाइंडर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर प्लेट इज। ठीक है, हिंदी पढ़ते हैं। एक चक्रीय प्लेट जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है कामा से एक चक्र जिसका व्यास प्लेट की एक त्रिज्या है काट लिया गया है। चक्रीय प्लेट के केंद्र से बचे हुए भाग के गुरुत्व केंद्र की दूरी होगी। ठीक है ना, तो पहले आपको सवाल समझाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है एक सर्कुलर प्लेट है। ठीक है, एक सर्कुलर प्लेट है, इसका डायामीटर जो है कितना है, वो 6 सेंटीमीटर। इसका जो है ये सेंटर है और ये जो डायामीटर इसका दिया गया है ये 6 सेंटीमीटर का दिया गया, ये सेंटर है इसका। ठीक है ना, और ये जो लंबाई आपको दिख रही है ये हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अगर रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन रेडियस को हम लोग क्या कर रहे हैं, बस R से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक सर्कुलर प्लेट को इसमें से काट करके निकालना है जिसका डायमीटर जो है R के बराबर है। ठीक है, यानी कि यहाँ से अब क्या करेंगे, हम एक सर्किल काट करके निकाल रहे हैं, मतलब वृत्त काट के निकाल रहे हैं जिसका डायमीटर जो है इसके R के बराबर है। ठीक है, तो जो
काट के निकाल रहे हैं उसकी आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें तो बीचों बीच में होगी, और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगी हमारी r बाई टू हो जाएगी, ठीक है। यानी छोटे वाले की त्रिज्या जो हो जाएगी r बाई टू होगा, बड़े वाले का कैपिटल r होगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब ये काट करके निकाल देंगे तब ये जो आपका एरिया बच रहा है, ठीक है, जो एरिया बच रहा है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो काट करके सर्किल निकालना है उसका जो केंद्र है, इनके बीच में कितनी दूरी होगी, मतलब यहाँ से बताना है कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर मौजूद होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ से ये एक्स बार पर मौजूद होगा, ठीक है। तो एक्स बार हम लोग निकाल लेते हैं, एक्स बार बराबर निकाल सकते हैं ए वन एक्स वन, ठीक है। एक पूरे सॉलिड रहता तब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए वन एक्स वन डिवाइडेड बाई बस हमारा ए वन हो जाता, ठीक है। लेकिन इसमें से क्या हो रहा है, इतना सर्कुलर सेक्शन काट करके निकाल लिया जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का ए टू एक्स टू, मतलब का नीचे भी माइनस का ए टू कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या है, अगर एरिया देखें बड़े वाले का एरिया अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर, ठीक है। अगर एक्स वन की बात करें, तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, ठीक है, यहाँ से जब सॉलिड रहा होगा तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी यही तो होगी, इसी को हम लोग एक्स वन कहेंगे आर बाई टू के बराबर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आर बाई टू, ठीक है। अब लिखते हैं हम लोग छोटे वाले का एरिया, छोटे वाले का अगर रेडियस देखें तो वो है हमारे आर बाई टू के बराबर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब आर बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से अगर देखेंगे कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच की दूरी तो कोई नहीं है, तो इसको लिख देंगे हम लोग जीरो, डिवाइडेड बाई हम लोग क्या करेंगे, देखिए एरिया ए वन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसका एरिया हो गया पाई आर बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए यहां से आप देखेंगे सब में से पाई कॉमन हो जाएगा तो ये आपका कट जाएगा, ठीक है। जैसे कट गया वैसे क्या होगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं, देखिए जरा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका पाई कट गया, ऊपर देखिए आर स्क्वायर बचा है, यहाँ आर बाई टू बचा है, मतलब कि आर क्यूब बाई टू डिवाइडेड बाई, इधर तो ये जीरो कर दिया, उसके बाद देखिए आर स्क्वायर माइनस देखिए आर बाई टू का होल स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर बाई फोर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बाई फोर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए चार एकन्ने चार, चार में से अगर आप एक घटाएं, देखिए चार एकन्ने चार उसमें से एक घटाएं तो तीन बटे चार बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा आर क्यूब डिवाइडेड बाई हो जाएगा थ्री आर स्क्वायर अपान फोर, ठीक है। इसमें दो भी था, दो हम यहाँ पर भूल गए थे, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बार बराबर हो जाएगा, इसको ऊपर कर देते हैं, देखिए आर क्यूब अपान टू इंटू फोर बाई, इसको ले सकते हैं थ्री आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए आर स्क्वायर और से दो आर कट जाएगा, एक आर बचा, इसको कर सकते हैं दो दूना आप चार कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा देखिए 2R डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही मिलेगा, तो R का मान अब क्या रखेंगे हम लोग, देखिए R बराबर हो जाएगा, देखिए टोटल डायमीटर दिया था 6 सेंटीमीटर, यानी R बराबर हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, R बराबर 3 रखेंगे, 2 बटा 3 इंटू 3 तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, लेकिन बहुत जगह आंसर आप देखेंगे 0.5, वो संभव नहीं है, 2 सेंटीमीटर इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इन ए सेक्शन अंडर गोइंग प्योर बेंडिंग द न्यूट्रल सरफेस इज सब्जेक्टेड टू, तो न्यूट्रल एक्सेस उसी को कहा जाता है जिस पर सीयर स्ट्रेन और स्ट्रेस जो होते हैं जीरो होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द ब्रेकिंग और रप्चर टेक प्लेस एज नोन एज, ठीक है, हिंदी पढ़ते हैं, एक पदार्थ के टूटने या फटने से पहले तब तक ऊर्जा खोने की योग्यता को टफनेस कहा जाता है, ठीक है। अगर इलास्टिक लिमिट तक की बात करता तो उसको बोलते हैं रिजिलियंस, अगर ब्रेकिंग पॉइंट तक आप जाएंगे तो जितनी भी एनर्जी वो स्टोर करेगी उसको बोल देते हैं हम लोग टफनेस, ठीक है। तो 45 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 46 देखिए, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर उसको बोलते हैं जहां पर बेंडिंग मोमेंट जो है जीरो हो जाता है, फिर अपना साइन भी चेंज कर देता है, प्लस से माइनस अथवा माइनस से प्लस, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज
कैरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ जीरो इंटेंसिटी ओवर वन सपोर्ट टू द लीनियर वायरिंग नेचर ऑफ इंटेंसिटी डब्ल्यू ओवर द अदर सपोर्ट द शेप ऑफ बी एम डी। ठीक है ना, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बीम है, ठीक है, बीम है, इस पर लोड लगा एक तरफ जीरो है और एक तरफ धीरे लीनियरली बढ़ते 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 क्या हो जा रहा है, डब्ल्यू हो जा रहा है, मतलब यूबीएल लोड की बात कर रहा है। ठीक है, और कह रहा है जब यूबीएल लोड लगा तो इसकी बीएमडी का शेप क्या होगा, तो ये होता है क्यूबिक पैराबोला। ठीक है ना, क्यूबिक पैराबोला, लेकिन यूडीएल रहता तो केवल पैराबोला होता। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा था मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ ए कोर सेक्शन फॉर ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अंडर एसेंट्रिक लोडिंग ऑन ए कॉलम बी बाई डी इज। ठीक है, तो ये आपको पहले लेक्चर में ही बता चुके हैं कि कर्नेल कोर एरिया के बारे में। एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, देखिए बी इंटू डी का कुछ इस तरीके से, ये बी है और ये डी है। कोर एरिया की बात कर रहा है, ऐसा एरिया है कि जिसमें आप लोड लगाएंगे तो कॉलम हमेशा कंप्रेशन में रहेगा। ठीक है, तो एक एरिया बनता है कुछ इस तरीके से, अगर रेक्टेंगुलर है तो ये रॉम्बस बनेगा कुछ इस तरीके से, देखिए रॉम्बस बनेगा कुछ इस तरीके से। इसका जो साइज होगा ये होगा हमारा देखिए बी बाई थ्री और ये हो जाएगा हमारा डी बाई थ्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। शियर फोर्स एट द मिड स्पैन पॉइंट डी इन फॉलोइंग बीम एज। ठीक है, कह रहा क्वेश्चन में कि डी बिंदु पर शियर फोर्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बीम दिया हुआ है, ये ओवरहैंग कर रहा है, ठीक है, ये हिंज है। इस पॉइंट पर आपको क्या कह रहा है क्वेश्चंस में कि यहाँ पर शियर फोर्स बताइए, मान लेते हैं ए है और बी है और ये सी है। ठीक है, क्वेश्चन में पॉइंट सी पर इंड किनारे पर एक एंटी क्लॉकवाइज का बेंडिंग मोमेंट लग रहा था, ये दूरी है हमारा एल बाई टू और ये भी दूरी हो जाएगी आपकी एल बाई टू और ये भी आपकी हो जाएगी एल बाई टू। ठीक है, अगर हम मोमेंट का ट्रांसफर करें तो ये मोमेंट जितना यहाँ पर डेवलप हो रहा होगा वही मोमेंट जो है यहाँ पर डेवलप हो रहा होगा सिंपली। ठीक है, तो ये हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन आर ए और आर बी भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, पिछले वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं अगर मोमेंट यहाँ लगा हो चाहे यहाँ लगा हो तो जो आर ए आएगा वो आएगा एम अपान एल। ठीक है, एम अपान एल आएगा माइनस का आ रहा था और आर बी बराबर आएगा आपका प्लस का एम अपान एल, मतलब एक माइनस आएगा और एक प्लस आएगा। तो अगर शियर फोर्स की बात करें तो यहाँ अगर आर ए का मान मान लीजिए हमारा आ गया एम अपान एल, ठीक है, आएगा ही निकालेंगे तो आएगा, पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप निकालना चाहते हैं शियर फोर्स एट डी पॉइंट, ठीक है, तो डी पॉइंट पर देखेंगे तो एक ही फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहां पर जो शियर फोर्स हो जाएगा एट डी होगा हमारा एम अपॉन एल। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है टू आइडेंटिकल सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल आर सब्जेक्टेड टू इक्वल लोड डब्ल्यू, वन बीम इज कैरिंग द लोड डब्ल्यू एट इट्स सेंटर मतलब कंसंट्रेटेड लोड एंड द अदर वन इज carrying it in the form of UDL over the entire span. The ratio of their mid-span bending moment will be. ठीक है? Question में कह रहा है एक बार point load लगा हो, पॉइंट लोड लगा है मतलब W किल न्यूटन, ठीक है, वही सिंपली सपोर्टेड बीम है और एक बार इतने ही लोड के बराबर आपका UDL लोड लगा है और W किल न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है इस केस में जो बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा कंसंट्रेटेड और यूडीएल के केस में या यूडीएल इनका अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा डब्ल्यू एल बाई फोर होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बीचों बीच और इसका होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट। ठीक है, लेकिन क्या कहा गया है क्वेश्चन में, ये वाला आपका W किलो न्यूटन है और ये लिखा है W किलो न्यूटन पर मीटर, इसको आपको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है। तो जब इसको पॉइंट लोड में UDL को कन्वर्ट करते हैं तो W इंटू L होता है। ठीक है, इसमें से एक L ले लेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल W इंटू L डिवाइड बाई एट, डब्ल्यू एल से WL कटेगा, आठ ऊपर चला जाएगा तो आठ डिवाइड बाई चार मतलब दो। ठीक है, तो इनके बेंडिंग मोमेंट का जो अनुपात होगा वो होगा हमारा दो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। इन ए मोहर सर्कल ऑफ सिग्मा स्ट्रेस प्लेन, सिग्मा है नॉर्मल स्ट्रेस, टाउ है शियर स्ट्रेस फुल कामा द वर्टिकल डायामीटर रिप्रेजेंट। ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मुहर सर्कल है, ठीक है, जिस
जो सिग्मा होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस है और इधर जो होता है वो शियर स्ट्रेस होता है, ठीक है ना, इस तरीके से दिया गया है। तो कह रहा है जो वर्टिकल सबसे पोजिशन होगा ये वाला ये किस चीज को बताएगा, तो ये बताता है आपका टाउ मैक्स, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू बताता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, द शियर डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू ए कंसंट्रेटेड लोड एट द फ्री एंड इज गिवेन बाई, ठीक है, अगर किसी बीम पर पॉइंट लोड लगा है तो उसका जो SFD बनता है वो बनता है आपका रेक्टेंगुलर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कह रहा है कैंटिलीवर बीम है, उस पर पॉइंट लोड लगा हुआ है उसके एंड पर, तो इसका SFD कैसा होगा, तो होगा हमारा रेक्टेंगुलर आयताकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम हैविंग ए कंसंट्रेटेड लोड W एट मिड स्पैन इज गिवेन बाय, ठीक है ना। क्वेश्चन जो दिया हुआ है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, आपको बताते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कैंटिलीवर बीम है हमारा, ठीक है, देखिए कैंटिलीवर बीम बना रहे हैं, एक किनारा आपका फ्री होगा, दूसरा किनारा आपका फिक्स होगा, ठीक है, ऐसे बीम को बोलते हैं हम लोग कैंटिलीवर बीम, ठीक है। कह रहा है इसके स्पैन की लंबाई जो है L है, जिसके बीचों बीच एक पॉइंट लोड W लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल इसके बीचों बीच, मतलब कि इस जगह पर एक लोड लग रहा है W किलो न्यूटन, ठीक है, यहां से यहां तक की अगर दूरी की बात करें तो ये दूरी हमारा L/2 है, ठीक है, क्वेश्चंस के अनुसार ये L/2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस लोड के कारण इस फ्री एंड पर कितना डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, तो पहले इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाते हैं, आपका डिफ्लेक्टेड शेप इसका कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, पूछा जा रहा है कि यहां पर ये डिफ्लेक्शन कितना होगा फ्री एंड पर इस लोड के कारण, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो बीम है, ठीक है, ये जो कैंटिलीवर बीम है, इसको दो टुकड़ों में हम लोग तोड़ सकते हैं, देखिए केवल अगर इतनी बात करें, अगर ये बीम हमारा कुछ इस तरह का रहता और लोड यहां लगा रहता है W किलो न्यूटन, ठीक है, और ये स्पैन की लंबाई हमारी L/2 होती, ठीक है, तो यहां पर आप डिफ्लेक्शन आसानी से निकाल दें, ठीक है, तो यहां पर डिफ्लेक्शन होता है, ये होता हमारा PL³/3EI, लेकिन हमारे क्वेश्चन में P के जगह W दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पर W लिखेंगे, ठीक है, और इस L के जगह आपको L/2 रखना पड़ेगा, ठीक है, यानी L/2 का होल क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा L³/, देखिए 2 × 4 × 8 नीचे 8 हो जाएगा, तो यहां पर हम रखेंगे, देखिए L/2 का होल क्यूब, ठीक है, जैसे यहां रखेंगे तो हो जाएगा L³/8, मतलब 2 × 4 × 8, तो ये टोटल जो हो जाएगा W L³ और 8 इसके नीचे था, तो 8 × 3 ये 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो डिफ्लेक्शन आपको दिखेगा बिल्कुल इस लोड के नीचे, ये हो जाएगा हमारा WL³/24EI, ठीक है ना। अब यहां पर बात करते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन तो आपको पता चल गया, बस ये डिफ्लेक्शन आपको ये दूरी अगर पता चल जाए तो टोटल हमारा हो जाएगा ये वाला डिफ्लेक्शन प्लस यहां से यहां तक का डिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर हम देखें यहां पर स्लोप देखा जाए, ठीक है, अगर यहां पर स्लोप देखा जाए तब देखिए, अगर यहां पर हम लोग स्लोप देखें तो ये जो स्लोप होगा ये होगा हमारा PL²/2EI, ठीक है, इसके केस में अगर यहां पर स्लोप देखें तो ये हमारा होगा PL²/2EI, ठीक है ना। पी की जगह आपको क्या करना है, W रख देना है, और L के जगह आपको क्या करना है, L/2 रखेंगे, तो L/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो L²/4, जब 4 आ जाएगा तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा ये WL²/8EI, तो ये जो स्लोप हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा WL²/8EI, ठीक है, और ये जो दूरी हो जाएगी ये हो जाएगा हमारा थीटा, जिस पॉइंट पर थीटा होगा वो, और इतनी दूरी का आपको गुणा करना होता है L/2, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर टोटल डिफ्लेक्शन निकालना है तो ये जोड़ना है प्लस ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो हो गया जो टोटल डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा बराबर हो जाएगा हमारा ये वाला डेल्टा, मतलब WL³/24EI प्लस का थीटा इंटू L/2, थीटा की जगह है WL²/8EI L/2, तो करेंगे हम लोग L/2, ठीक है। उसके बाद देखिए सॉल्व करेंगे, देखिए L और L का गुणा करेंगे तो L³ हो जाएगा, तो यहां पर भी ये WL³ और यहां पर भी हो जाएगा WL³, ठीक है, नीचे भी EI है और नीचे भी EI है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखिए WL³ अपान
24 EI प्लस, देखिए EL का गुणा करेंगे इसमें तो WL क्यूब अपान R दुना 16 EI, ठीक है। इसमें कॉमन देखेंगे तो WL क्यूब अपान EI को कॉमन कर लीजिए, EI को कॉमन करेंगे, इसमें से 1/24 बचेगा, 1/24 प्लस यहां से बचेगा इस जगह से 1/16, ठीक है। इनका LCM ले लेंगे तो 48 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने पर क्या आएगा, देखिए LCM लेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 जब हो जाएगा तो सॉल्व करने में देखिए क्या आएगा, WL क्यूब अपान EI, तो देखिए LCM हो गया हमारा 48, तो 24 × 48 यहाँ 2 हो जाएगा और 16 × 48 यहाँ 3 हो जाएगा, मतलब 5/48 आएगा। तो 5/48 WL क्यूब अपान EI इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, कह रहा है 54 नंबर, ऑफ द सेवरल प्रिज्मेटिक बीम ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑफ सेम मटेरियल द बीम दैट कैन कैरी मैक्सिमम लोड इन फ्लेक्जर इज द वन हैविंग मैक्सिमम, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर सेम मटेरियल के हम लोग क्या करें, बीम बनाए जिनका क्रॉस सेक्शन जो है वो सेम रहे, मतलब सब कुछ सेम रहे, तो क्या चीज ज्यादा होगी, तो ये सबसे ज्यादा मजबूत होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा लोड कैरी करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सेक्शन मॉडुलस, अगर किसी भी सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होता तो वही सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल सेक्शन कहलाता है और मजबूत सेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा सेक्शन मॉडुलस, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ इफेक्टिव स्पैनियल एंड सब्जेक्टेड टू सेंट्रल पॉइंट लोड डब्ल्यू इज गिवन बाई, ठीक है, हिंदी पढ़ देते हैं। एक शुद्धा लंबित दंड जिसकी प्रभावी विस्तृति यल है और जिस पर केंद्रीय संकेंद्रित भार डब्लू है का अधिकतम विक्षेप होगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस की अगर बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, एक तरफ आपका हिंज होगा और दूसरा सपोर्ट जो होगा आपका रोलर होगा, ऐसे बीम को बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक। इसके बीचों बीच एक पॉइंट लोड लग रहा है W किलो न्यूटन, ठीक है, और इसका जो स्पैन की लंबाई इफेक्टिव स्पैन है वो हमारा L के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इस लोड के कारण मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, ठीक है। तो जैसे ये लोड लगेगा उसका डिफ्लेक्टेड शेप जो है कुछ इस तरीके से होगा, देखिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका डिफ्लेक्टेड शेप होगा और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगा जहां पर लोड लग रहा होगा वहीं पर आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है, यानी कि मिड पॉइंट पर ये हो जाएगा डेल्टा मैक्स बराबर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा हमारा WL क्यूब अपॉन 48 EI, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा डिफ्लेक्शन। अगर हम स्लोप की बात करें सपोर्ट पर तो यहाँ पर एक स्लोप होगा, देखिए यहाँ पर भी स्लोप होगा और यहाँ पर भी स्लोप होगा, ये दोनों बराबर होंगे, ये होगा हमारा स्लोप, मतलब थीटा बराबर हो जाएगा ये PL स्क्वायर अपान 16 EI, ठीक है। अगर क्वेश्चन में स्लोप पूछता तो आप ये बताते, लेकिन क्वेश्चन में डिफ्लेक्शन के बारे में पूछा गया तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाएगा WL क्यूब अपान 48 EI, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा WL क्यूब अपॉन 48 EI, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 56, ए कंसंट्रेटेड लोड W एक्ट एट द सेंटर ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L फुल स्टॉप इफ द लोड इज चेंज्ड टू ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द इंटायर स्पैन कामा देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अंडर कंसंट्रेटेड लोड एंड अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विल बी, ठीक है, हिंदी पढ़ते हैं, देखिए एक शुद्धा लंबित दंड की लंबाई L है और उसके केंद्र पर संकेंद्रित भार W है, यदि इस भार को दंड की पूरी विस्तृति पर एक रूपता में बांट दिया जाए तो संकेंद्रित भार और एक रूपता से फैले विस्तृत भार में अधिकतम विक्षेपण का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, देखिए इस क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए दो बना देते हैं, देखिए
कह रहा है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके बीचों बीच एक पॉइंट लोड लगा है, मतलब कंसंट्रेटेड लोड यहाँ पर W लगा है, W किलो न्यूटन, ठीक है, ये तो लोड लगा हुआ है। इसकी स्पैन की लंबाई जो है हम मान लेते हैं L है, तो तब इस केस में कह रहा है इसमें जो डिफ्लेक्शन आ रहा है उसके डिफ्लेक्शन, और जब इसी लोड के बराबर, इसी इंटेंसिटी के बराबर क्या हो यहाँ पर UDL लोड लगा हो जिसके कारण क्या हो रहा है आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है, तब दोनों डिफ्लेक्शन का अनुपात क्या होगा, ठीक है, इसके कारण भी आपको यहाँ पर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, मतलब UDL के कारण और यहाँ पर कंसंट्रेटेड के कारण, ठीक है। तो पूछा गया है डेल्टा सी अपान डेल्टा UDL, मतलब पॉइंट लोड के कारण, और फिर यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है अनुपात वो लिखा है डेल्टा UDL के कारण, ठीक है। तो इस केस में अगर देखें, इस केस में अगर देखें तो अभी डिफ्लेक्शन जस्ट देखे हैं WL³/48EI, ठीक है, और जब UDL लोड लगा रहता है W किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, जब ऐसा लोड लगा रहता है तो इस कंडीशन में जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है 5/384 WL⁴/EI, ठीक है, ये आपका डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है इसी लोड के बराबर ये आना चाहिए, मतलब किलो न्यूटन में रहना चाहिए पर मीटर, नहीं केवल आपको समझने के लिए किलो न्यूटन पर मीटर लिखे हैं, ठीक है। इसको चेंज करने के लिए पॉइंट लोड में क्या करना पड़ेगा, पूरी लंबाई से W में गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है, देखिए WL⁴, एक L इसके साथ ले लेते हैं, तो जो ये W इसमें आपको दिख रहा है कैपिटल W, यहाँ पर ये कैपिटल W हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा WL³, ठीक है। अब ये यहाँ पर है किलो न्यूटन में, क्योंकि L से इसमें गुणा कर दिए हैं, तो क्या करना, दोनों का अनुपात लेना, देखिए ये लिख लेंगे ऊपर WL³/48EI, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, इसको करेंगे 5/384, उसके बाद लिखा है WL³/EI, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, ठीक है। उसके बाद ये 84 ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा हमारा डेल्टा सी अपान डेल्टा यू बराबर 1/48 × 384/5, ठीक है। 48 से इसको काटेंगे, 48 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 384, तो आ जाएगा 8/5, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 8/5, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, द इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ टू स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस S1 and S2 ज्वाइंड इन सीरीज गिवन बाई S, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो स्प्रिंग जो हैं वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, सीरीज में मतलब एक के बाद एक, ठीक है। देखिए ये स्प्रिंग है आपका, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग ये है जिसका स्टिफनेस जो हमारा दिया हुआ है S1, फिर इसी में क्या है दूसरा स्प्रिंग जुड़ गया, देखिए दूसरा स्प्रिंग बनाते हैं, दूसरा स्प्रिंग इसका स्टिफनेस S2 है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या होगा, मतलब इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, तो ये होता है हमारा जब सीरीज में जुड़ा रहेगा तो 1/K इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/K1+1/K2, के है स्प्रिंग स्टिफनेस, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है S1 और S2 दिया गया है, और इसको हम लिख देते हैं S इक्विवेलेंट को, और इसको लिख दे रहे हैं S1 और इसको लिख दे रहे हैं S2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/S बराबर ये हो जाएगा, देखिए S1+S2/S1S2, LCM ले लेंगे, पलट दीजिए क्योंकि आपको पलट के वैल्यू चाहिए, तो S=S1S2/S1+S2, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 58, बकलिंग लोड फॉर एन एक्सियली लोडेड कॉलम विद बोथ एंड फिक्स्ड इज गिवन बाई, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कॉलम है जिसके दोनों किनारे जो आपके फिक्स कर दिए गए हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए बकलिंग लोड होगा, तो ये हो जाएगा हमारा होता है π²EI⁻/(Effective Length) का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपका अनसपोर्टेड लेंथ आपका मान लें हम लोग L है, तो जो इसका इफेक्टिव लेंथ होगा वो होता है हमारा L/2, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहां पर रख देंगे, तो होगा π²EI⁻/(Effective Length) इसके जगह रखेंगे हम लोग L/2, तो हो जाएगा L²/4, 4 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4π²EI⁻/(Effective Length) का स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है पॉइजन रेशियो म्यू इज डिफाइंड एज, ठीक है, यानी पॉइजन रेशियो का डिफिनेशन पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज नोन एज पॉइजन रेशियो, ठीक है ना। तो ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि ट्रांसवर्स स्ट्रेन जो होता है उसी को बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन और एक्सियल स्ट्रेन को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इन ए थिन सिलिंड्रिकल सेल द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द हुप स्ट्रेस इज, हिंदी पढ़ देते हैं, एक पतली सिलेंडर नुमा कोश मतलब ब्रैकेट में लिखा है सेल में कामा अनुदैर्ध्य प्रतिबल का परिधीय हुप प्रतिबल से अनुपात होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर थिन सिलेंडर है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करें तो ये होता है पीडी अपान 40, ठीक है। पी होता है इंटरनल प्रेशर, डी होता है डायामीटर ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, और टी है थिकनेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। और हुप स्ट्रेस जो होता है, हुप स्ट्रेस सिग्मा एस से डिनोट करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल को सिग्मा एल से, ये होता है पी डी अपान 2t, ठीक है। इन्हीं का अनुपात पूछा जा रहा है, इन्हीं का अनुपात पूछ रहा है कितना होगा। तो PD से PD काट दे रहे हैं, T से T काट दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 2/4, क्योंकि देखिए इसे काट देते हैं 2 × 4, तो ये हो जाएगा 2 × 4 माने 1/2, तो हो जाएगा 0.5 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस का जो अनुपात होगा वो होगा 0.5। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है ए स्ट्रक्चर विच ऑफर नेग्लिजिबल और जीरो रेजिस्टेंस ऑन बेंडिंग एट एनी पॉइंट इज नोन एज, ठीक है। कह रहा क्वेश्चंस में कि ये स्ट्रक्चर है जिसमें बेंडिंग मोमेंट जो है वो जीरो होता है, मतलब नेग्लिजिबल होता, तो वह स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ठीक है। अगर हम लोग बीम की बात करें, बीम की बात करें तो इसमें बेंडिंग मोमेंट तो पाया जाता है, ये तो सही नहीं होगा, ये तो गलत ऑप्शन है, यानी कि ठीक है। और अगर गर्डर की बात करें तो गर्डर जो होता है बीम का दूसरा रूप है, बहुत बड़ा होता है तो उसमें भी बेंडिंग मोमेंट आएगा, ठीक है ना। गर्डर में भी बेंडिंग मोमेंट पाया जाता है। एक जो केबल होता है, जो आप केबल देखेंगे बिल्कुल रस्सी जैसा रहेगा, ठीक है, रस्सी जैसा है, इसी को बोलते हैं केबल। इसको अगर आप बेंड करेंगे तो ये बेंडिंग मोमेंट में रजिस्ट नहीं करेगा, जिधर बेंड करेंगे उधर बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केबल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, कह रहा क्वेश्चन द कर्वेचर एट एनी पॉइंट 1/r अलोंग द कर्व रिप्रेजेंटिंग द डिफॉर्म्ड शेप ऑफ ए बीम इज गिवन बाय, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है द मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ ए प्रिज्मेटिक बीम थ्रू यूनिट एंगल कामा विदाउट ट्रांसलेशन कामा द फार एंड बीइंग फिक्स्ड इज, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बीम है जिसका एक किनारा जो है वो फिक्स कर दिया गया है, देखिए ये किनारा फिक्स कर दिया गया है, और यहां पर पूछ रहा है कि यहां पर रोटेशन मतलब यूनिट थीटा देने के लिए यहां पर थीटा बराबर 1 लाने के लिए कितना आपको बेंडिंग मोमेंट यहां पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसको स्टिफनेस भी बोलते हैं, यूनिट रोटेशन लाने के लिए जितना मोमेंट लाते हैं उसी को स्टिफनेस कहते हैं। तो ये हो जाता है m बराबर 4EI/L, ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ ए सर्कुलर शाफ्ट अंडर द एक्शन ऑफ ए टॉर्सनल मोमेंट टी इज गिवन बाय, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर शाफ्ट है, देखिए इधर फिक्स कर दे रहे हैं, ये आपका सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक है। अब क्या है, इस पर एक टॉर्सनल मोमेंट लगाया जा रहा है, ठीक है, इस पर एक मोमेंट लगा रहे हैं लेकिन टॉर्सनल, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो शाफ्ट है थोड़ा सा ऐंठ जाएगा, जब ऐंठन आएगी उसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही पूछा गया है एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो हम लोग जानते हैं टॉर्सन इक्वेशन, टॉर्सन इक्वेशन की अगर बात करें तो ये होता है हमारा
टाऊ अपान आर बराबर टी अपान पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया बराबर जी थीटा अपान एल। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो इस वाले से मतलब नहीं है क्योंकि टॉर्सन दिया हुआ था, यहाँ से थीटा निकल के आएगा, थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा, एल को यहाँ भेजिए, जे को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा टी एल अपान जी जे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना।